कमाई तो बहुत कर दी है, कितना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में गए को बेटी को दुगो बेटा को सबको लगा कर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, उनके लिए हमेशा से मेरा सम्मान था, आगे भी रहेगा सम्मान, और हम तो उनके बेटे के रूप में खड़े रहे। उन्होंने कई बार बोल रहे हैं ये तो बेटा है मेरा, तो हम तो भाई उनका सम्मान करते ही हैं। आजकल उन वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है, कौन लोग हैं बुलवाने वाले लोग बोलते रहते, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो बुलवा रहे लोग उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संस्थान थे, जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी उनके 8 बच्चे हैं, गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं, पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन थे, राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा, और यही नहीं जो आप देखिएगा प्रखर जो विद्वान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14 उनके 14 बच्चे थे, देवगोरा जी के 6 बच्चे थे, नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कोई विजन नहीं, क्यों नहीं मांग करें बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का, किससे अब मांगेगी बिहार की जनता, अब तो डबल इंजन की सरकार केंद्र में उनकी, यहाँ भी विशेष पैकेज के बारे में क्या हुआ, अब सब समय आएगा, किताब में आप पढ़िए ना, किताब 2025 से पहले लिखाएगा चुनाव से कांग्रेस मुसलमानों को बांटे। देखिए हम तो यही कहते हैं कि मुद्दे की बात करें, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें, देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश का व्यावसायिक वर्ग, देश का किसान, देश की हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो हैं उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है, वो निशाना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है, और यही असल मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए देश के लिए क्या विजन है, उस पर बात ना करके केवल मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारी देश की वो त्रस्त है बेरोजगारी से, सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान है, इस पर क्यों नहीं चर्चा कर सकें।